दुनिया में ऐसे बहुत सी चीजें पाई जाती हैं जिसका विज्ञान में भी कोई जवाब नहीं है। आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय जगहों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डेविल्स केटल। मिनेसोटा शहर में बहने वाली बोरवेल नदी आज तक लोगों में एक रहस्य बनी हुई है। ये नदी यहाँ के दो हिस्सों में बटी हुई है, जिसका एक हिस्सा नदी में जाकर मिलता है और दूसरा हिस्सा कहाँ मिलता है, आज तक लोगों को इसका पता लग ही नहीं पाया है। विज्ञानों ने इस बहते पानी में स्याही यानी कि इंक डालकर देखा, पर ये स्याही मिला हुआ पानी कहाँ से निकला ये किसी को नहीं पता चला। और आज भी इस दूसरे नदी का पानी कहाँ जाके मिलता है ये एक रहस्य ही बनकर रह गया है। हेसडेलन लाइट्स। नॉर्वे के एक शहर को देखकर लोग आज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहाँ रोज रात को एक डरावनी लाइट चमकती रहती है। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाने की कोशिश तो की है कि ये चमकती हुई किरणें आती कहाँ से हैं। तो उन्हें पता चला है कि वहाँ पास में ही एक वैली की जो झील है उसमें से कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसमें से किरणें आती है, जिसके कारण ऐसा होता है। पर आज तक वो एक पहेली बनी हुई है क्योंकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है और आज तक इसे कोई समझ नहीं पाया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मोविल केव। रोमानिया के एक दक्षिण शहर में एक गुफा है जो आज तक लोगों के समझ के बाहर है। वहाँ पर एक रहस्यमय गुफा से एक रोशनी की किरणें 55 लाख से भी ज्यादा रोशनी की किरणें छोड़ती रहती है। ये एक अलग ही वातावरण पैदा करती है। वहाँ पर एक जीव को उस किरणों से बाहर निकाला गया तो वो बाहर की दुनिया में जिंदा नहीं रह पाया। और खबर मिली है कि यहाँ पर 33 करोड़ यानी कि 33 करोड़ से भी ज्यादा जीव मौजूद है। लेक कराचे। दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर में से एक शहर सोवियत शहर को माना गया है। ये मशहूर है बहुत से रासायनिक फैक्ट्री के लिए जो इसके वेस्ट को पास के झील में छोड़ देते हैं। वहाँ के वैज्ञानिकों ने इस पर काफी संशोधन किया पर कुछ ज्यादा पता नहीं लगा पाए। फिर वहाँ पर आखिर में 1957 में ब्लास्ट करके उस पर कॉन्क्रीट रख दिया गया है। द डबल ट्री ऑफ काजोर्सो। इटली के शहर में पियामोंट इलाके में एक चेरी का पेड़ है। वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ है और वहाँ ऐसा वो एक नहीं बट बहुत सारे पेड़ हैं, पर ये पेड़ बहुत सालों से है। इस पेड़ की एक खास बात है कि इस पर कभी ऊपर चेरी आती है या कभी नीचे चेरी आती है, लेकिन पूरे पेड़ पर एक साथ नहीं आती। तो आपको इन सब में से सबसे बेहतरीन कौन सा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।